स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से हमारे इस चैनल दीपावली में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य आखिर बड़ा दिखाई क्यों देता है, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? अगर नहीं किया है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्यों बड़ा दिखाई देता है सूर्य, सूर्य की आखिर संरचना हुई कैसे, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। अगर आप भी इन अहम बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी आप सभी व्यूअर्स का, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को बना लीजिए अपना चैनल, क्योंकि आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मेरे द्वारा अपडेट किए गए जितने भी वीडियोज़ हैं वह आप तक तुरंत पहुँच सके और उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल सकता है। आइए जानते हैं इस विषय में। अक्सर हम यह देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य बड़ा दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है या ऐसा सोचा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा क्यों दिखता है? आइए जानते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा क्यों दिखता है, सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब आपको देना चाहूँगी। ध्यान से सुनिए, सूर्य पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। दरअसल जब सूर्य उदय होता है और जब अस्त होता है तो उस वक्त उसकी किरणें हल्की होती हैं और किरणों के हल्के होने के कारण सूर्य हमें पूरा दिखाई देता है, लेकिन जब वह पूरी तरह उदित हो जाता है तो उसकी किरणों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है जिससे हमारी आंखें उस पर ठहर नहीं पाती। तब हमें वह छोटा दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें हम उसके भीतरी भाग को ही देख पाते हैं। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं सूर्य की संरचना के विषय में। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसकी बाहरी सतह की अपेक्षा अंदर की सतह ज्यादा गर्म होती है। सूक्ष्म तौर पर देखने पर यह हमें दो भागों में दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है तब धीरे धीरे इसकी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगती हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, जैसा मैंने आपको बताया, 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वहीं दूसरी ओर शाम के समय प्रकाश के हल्के और कमज़ोर होने से सूर्य हमें स्पष्ट और पूरा दिखाई देता है, परंतु जब सूर्य दोपहर के समय ठीक पृथ्वी के ऊपर होता है उस समय उसकी तेजस्वी किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं। उन तीज किरणों के असर से हमें सूर्य का बाहरी हिस्सा न दिखकर सिर्फ अंदर का ही भाग नज़र आता है। इस दौरान सूर्य को देखना आंखों के लिए हानिकारक होता है। इसी अवधि के दौरान सूर्य के आकार में भी बदलाव दिखता है जो कि वायुमंडलीय दबाव की वजह से है। चूंकि ऊंचाई घटने पर परिवर्तन में ज्यादा फर्क दिखता है, इसलिए ऊर्ध्व तल पर छोटा हो जाता है सूर्य, जबकि क्षितिज तल पर बढ़ जाता है। इसलिए सूर्योदय और उसके अस्त होते समय हमें उसका आकार बड़ा नज़र आता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको दो पॉइंट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है और सूर्य की संरचना आखिर है कैसी और वह बना किन गैसों से मिलकर है। अब मैं आपके अगले सवाल की तरफ आती हूँ, वह है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आखिर हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आज नहीं किया है तो हम आपको उसी का जवाब देने के लिए यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हैं। आइए जानते हैं। दरअसल सूर्य की सफ़ेद किरणें सात रंगों बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल रंगों से बनी होती हैं। दोपहर के समय तो ये किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय उन्हें दोगुनी दूरी तय करनी होती है, इसलिए उनमें इतनी ऊष्मा नहीं रह जाती है कि वे वास्तविक रंग में धरती तक पहुंच सके, जिसके फलस्वरूप होता यह है कि सुबह और शाम के समय वातावरण में उपस्थित धूल धुएं और पानी की वैष्णवों के कारण सूर्य की किरणों से पीले नारंगी और लाल रंगों को छोड़कर अन्य सभी रंग बिखर जाते हैं। इन तीनों रंगों में भी लाल रंग की रोशनी सबसे अधिक होती है, इसीलिए सूर्य की किरणों में लालिमा होती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। सूर्य से जुड़ी और भी रोचक जानकारी है जिसे हम साझा कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? आइए जानकारी देते हैं आपको। ऐसा माना जाता है कि साल 1999 में पता चला था कि देश के अरुणाचल प्रदेश के डोंग में स्थित घाटी में सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है। इसके बाद यह घाटी एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर आई है। इसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते रहे हैं, इसीलिए इस प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। अब आप जानने चाहते होंगे कि ऐसा वह कौन सा देश है, तो मैं बता दूं आपको कि उस प्रदेश का नाम है अरुणाचल, जिसमें अरुण का अर्थ है सूर्य तथा चल का अर्थ है उदय होना या आगे बढ़ना। भारत की भूमि पर इसी राज्य में सूरज की पहली किरण पड़ती है। अब तो आप जान ही गए होंगे ना कि इसका आंसर क्या था। अब एक सवाल और बनता है इसके ऊपर, और वह है कि सूरज कितने टाइम निकलता है, यानी कितने बजे निकलता है। वैसे तो सूरज हर रोज दिन में ही निकलता है, पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर सूर्य रात के 12 बजे निकलता है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि रात के 12 बजे निकलता है। मध्य रात्रि को सूर्योदय होने वाले इस स्थान का नाम हैमरफेस्ट है। असल में यह नॉर्वे का एक शहर है और नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का एक देश है। हैमरफेस्ट शहर की खासियत यही है कि यहाँ पर रात को सूर्योदय दिखाई देता है और इस सूर्योदय को देखने के लिए बहुत से विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल और बनता है, और वह है कि सबसे पहले सूर्य पर कौन गया। तो हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने सूरज पर सबसे पहले अपना एक आदमी भेजा था। भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे पहले होता है? तो हम आपको बता दें कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित गुहार मोती, जो भारत का सबसे आखिरी पश्चिमी छोर है, वहाँ पर सूरज सबसे आखिरी में अस्त होता है। क्या सूरज घूमता है, इस पे कभी आपने विचार किया है? नहीं किया तो बताते हैं आपको। कैरिंगटन ने सूर्य के एक घूर्णन को मानक रूप से 27.27 पृथ्वी दिन के बराबर माना, यानी आप धरती से सूरज को देख रहे हैं और सूरज की सतह अलग अलग दर से घूर्णन कर रही है, फिर भी ठीक 27.27 दिन के बाद यह मान लिया जाएगा कि सूरज ने अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लिया है। अक्सर हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और या हो सकता है आपने भी कभी फेस किया हो
इस सूरज की किरणों को धरती पर आने में कितने मिनट का समय लगता है? जिसका जवाब है कि सूरज की सतह से उत्सर्जित फोटॉन को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा करने की आवश्यकता होती है। जिसका संक्षिप्त में जवाब यह है कि सूरज की रोशनी सूर्य से पृथ्वी तक यात्रा करने के लिए औसतन 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लेती है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। उसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा हुआ है। इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक बताया सूर्य से जुड़ी कुछ अहम और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज का हमारा यह वीडियो पूरी तरह आधारित था सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस पर। वीडियो को आपने अगर पसंद किया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।